महासागर विज्ञान में हम लोग सीखे थे कि जल की विभिन्न गतियां होती हैं, जैसे धारा, लहर, सुनामी, ज्वार, स्वेल। इसमें से आइए हम लोग देखते हैं ज्वार कहते किसको हैं, इसके कारण, इसके प्रकार और इसका महत्व क्या है कि किस तरह से ज्वारी ऊर्जा आज एक नव्यकरणीय ऊर्जा मानव प्राप्त कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्वार होता क्या है। ज्वार महासागर के जल में कुछ कारणों से उतार, कुछ कारणों से चढ़ाव को ज्वार कहते हैं, राइजिंग। लेकिन हर चढ़ी हुई चीज़ गिरती भी है, ये प्रकृति का एक सत्य नियम है। जब वही जल नीचे की तरफ गिरता है तब उसको भाटा कहते हैं। इस तरह से ज्वार और भाटा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें परिभाषा इसकी है कि पीरियाडिक राइज एंड फॉल इन ओशनिक वाटर स्टाइट, जब कालिक रूप से जल ऊपर उठता है उसको ज्वार और नीचे उतरने को भाटा कहा जाता है। और इसके वैज्ञानिक अध्ययन अर्थात इसके कारण, प्रकार, परिणाम और प्रयोग या उपयोग के अध्ययन को टाइडोलॉजी, ज्वार विज्ञान कहा जाता है। टाइडोलॉजी एक वैज्ञानिक अध्ययन है किसका, टाइड्स का। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के महासागर, झील, नदी, तालाब, कोई भी जल राशि होती है, सब में ज्वार उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि यह लिक्विड है और ज्वार उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। पहला कारण ज्वार की उत्पत्ति का है, मून्स ट्रैक्शन, चंद्रमा का कर्षण बल। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इस पर बड़ी बड़ी जलराशियां हैं, महासागर और सागर हैं। उनका जल पृथ्वी के दो बल के बीच संतुलित रहता है, नंबर एक गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर दो इसके घूर्णन के फलस्वरूप केंद्राभिसारी बल। लेकिन इस संतुलन को असंतुलित करने वाला एक तीसरा बल जब आ जाता है, जैसे चंद्रमा का कर्षण बल, वह इन दोनों में से अर्थात ग्रेविटेशन, सेंट्रीफ्यूगल, इन दोनों में से किसी एक का साथ दे देता है तो वह भारी पड़ जाता है। आप बताइए कि चंद्रमा का आकर्षण बल या कर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका साथ देगा? निश्चित रूप से पृथ्वी के केंद्राभिसारी बल को। परिणाम क्या होगा कि पृथ्वी का जल चंद्रमा की तरफ खिंच जाएगा, इसको कहा जाएगा चंद्रमा का ट्रैक्शन या कर्षण बल। और दूसरा कारण है सन्स ट्रैक्शन। ब्रह्मांड के हर पिंडों में, हर आकाशीय ब्रह्मांडी पिंडों में उनके आयतन द्रव्यमान के अनुसार उनमें आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हमारा सूर्य तो बहुत बड़ा है पृथ्वी और चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के सापेक्ष। निश्चित रूप से सूर्य का भी कर्षण या आकर्षण बल बहुत अधिक होगा। और यदि चंद्रमा अब छोटे आकार के होने के बावजूद भी छोटे कर्षण बल से पृथ्वी के जल को आकृष्ट कर लिया तो भला सूर्य कैसे मान सकता है? सूर्य भी अपनी तरफ आकृष्ट करता है पृथ्वी के महासागरों के जल को। बस बात इतनी है कि चंद्रमा का आकर्षण ज़्यादा होगा या सूर्य का? तो सच पूछिए तो सूर्य का ही ज़्यादा होगा, लेकिन सूर्य का कर्षण बल चंद्रमा के कर्षण बल की अपेक्षा लगभग आधा होता है या 5/11 होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा पास है जबकि पृथ्वी से सूर्य दूर है, इसलिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कर्षण बल अधिक होने के बावजूद भी वह कम प्रभावी होता है, जिसका मेन कारण दूरी है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये चंद्रमा और सूर्य का कर्षण बल पृथ्वी पर ज्वार आने के दो महत्वपूर्ण कारक हैं। लेकिन तीसरा एक और भी
महत्वपूर्ण कारक है कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उभय गुरुत्व केंद्र। उभय गुरुत्व केंद्र क्या होता है? जैसे हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है। चंद्रमा भी अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। चंद्रमा भी अपने ऑर्बिट पर पृथ्वी के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इस तरह से चंद्रमा। अब इसमें एक ज्योग्राफिकल पजल बन सकता है कि पृथ्वी तो सूर्य की परिक्रमा करती ही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा गया कि क्या चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करता है कि नहीं, तो उत्तर सरल सा ही है। कैसे? जब तक यह पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करेगी 12 महीने, तब तक चंद्रमा पृथ्वी की 12 बार परिक्रमा करेगा। अर्थात चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए कर रहा है। चलिए इस पजल से निपटने के बाद हम आकर देखते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से चंद्रमा आबद्ध है, लेकिन पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुसार ही इसका गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पर काम करेगा। उसी के साथ चंद्रमा का भी तो कुछ द्रव्यमान है, भले ही पृथ्वी से कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान जितना है, उसी अनुपात में चंद्रमा का भी आकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ेगा। अर्थात दोनों एक दूसरे से आबद्ध हैं द्रव्यमान के अनुसार। इसको आइए हम लोग एक सरल उदाहरण से सीखते हैं कि दोनों के बीच कैसा संबंध है और उभय गुरुत्व केंद्र क्या होता है। उदाहरण के लिए एक गुरु हैं जो 80 किलो के वजन के हैं और उनका एक शिष्य है जो कि 20 किलो वजन का है। बस पढ़ते पढ़ते शिक्षा लेते देते मन भर गया। गुरु की इच्छा हुई कि चेले से खेल खेला जाए। गुरु खड़े होकर चेले का दोनों हाथ पकड़कर और उसको घुमाने लगे। गुरु अपने जगह ही घूम रहे थे और चेला उनके चारों तरफ घूम रहा था। इस तरह से गुरु गुरु थे, भारी थे, 80 किलो के थे। जब गति पर्याप्त हो गई 200 RPM 300 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में 300 परिक्रमा, तब गुरु को गुरुत्व का नाज हो गया। उन्होंने पूछा, चेला मैं केंद्र हूँ, तुम मेरी परिक्रमा कर रहे हो ना? चेले ने कहा, हाँ गुरुजी। फिर गुरु ने पूछा, तुम मुझसे बंधे हो ना? हाँ गुरुजी। इस तरह से यह इस फिर पूछा कि मैं भारी हूँ, तुम हल्के हो ना? हाँ गुरुवर। इस तरह से तीन प्रश्नों का उत्तर चेले ने हाँ में दिया। फिर तो किसकी प्रतिज्ञा और अभिमान नहीं भंग होता है विधि के विधान में। फिर हाथ छूट ही गया और चेला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पर्याप्त दूरी पर गिरकर मिट्टी झाड़ता हुआ खड़ा हो रहा है। देख क्या रहा है कि गुरु भी पीछे गिरकर उठने का प्रयास कर रहे हैं। बस मौका मिल गया उस चेले को गुरु से उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने का। चेले ने पूछा, गुरुवर आप केंद्र थे, मैं तो परिक्रमा कर रहा था, मेरा गिरना तो ठीक है, आप कैसे गिरे? मैं तो आपसे बंधा था इसलिए गिरा, आप किससे बंधे थे जो गिर गए? आपका द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा था, केंद्र थे, और मेरा द्रव्यमान तो कम था, मैं गिरा, आप कैसे गिर गए? बस ज्ञान कपाट खुल गया गुरु का। उन्होंने कहा कि शिष्य हम और तुम अपने द्रव्यमान के मुताबिक उसी प्रपोर्शन में
एक ऐसे केंद्र से बने थे जिसका नाम होता है उभय गुरुत्व केंद्र, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, तुम दूर गिरे मैं पास गिरा, इसका कारण है कि मेरा द्रव्यमान ज़्यादा था, अर्थात उभय गुरुत्व केंद्र तुम्हारे पास न होकर के हमारे पास था। इसमें एक चीज़ और समझने की है कि गुरु जब जब देख रहे थे उस चेले को घूमते समय, तो उसका चेहरा ही देख रहे थे, केवल अगाड़ी पिछाड़ी नहीं। इसीलिए हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का आधा ही भाग देख पाते हैं, 54%, जिसका कारण है कि चंद्रमा जितने समय में अपने अक्ष पर एक बार घूमता है, उतने ही समय में अपने ऑर्बिट पर भी पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। इस तरह से हम पृथ्वीवासी चंद्रमा का एक ही फेस देख पाते हैं। आइए हम लोग उभय गुरुत्व केंद्र की चर्चा करते हैं। यहाँ है, पृथ्वी में है, पृथ्वी के केंद्र से ज्योग्राफिकल सेंटर से 2886 मील दूर है और चंद्रमा की तरफ है, चंद्रमा की तरफ। यह कोर में है, पृथ्वी के मेंटिल में है, क्रस्ट में है। निश्चित रूप से इसकी स्थिति मेंटिल में है। इसको आप ज्यामिति ढंग से निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से इसकी परिधि कितना दूर है और 2886 मील कितना दूर पड़ेगा। सो मेंटिल में ही पड़ेगा। फिर प्रश्न उठता है कि क्या यह उभय गुरुत्व केंद्र, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक जगह स्थिर रहेगा पृथ्वी में? कोई स्थिर बिंदु है या गतिशील? उत्तर सरल है। यदि चंद्रमा अपने ऑर्बिट पर पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, जहाँ जहाँ चंद्रमा जाएगा वहाँ वहाँ उसी के ठीक सीध में उभय गुरुत्व केंद्र भी गतिशील होगा, और यह उभय गुरुत्व केंद्र पृथ्वी के भौगोलिक केंद्र, चंद्रमा के भौगोलिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा। इस तरह से उभय गुरुत्व केंद्र हमेशा पृथ्वी के भौगोलिक केंद्र के चारों तरफ घूमता रहता है। ध्यान रखिएगा कि यह उभय गुरुत्व केंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी होगा। कहाँ होगा? सूर्य में होगा, क्यों? इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। इस तरह से किन्हीं दो आकाशीय पिंडों में जो एक दूसरे की आपस में परिक्रमा करते हैं, एक भारी एक हल्का, दोनों एक उभय गुरुत्व केंद्र से उसी तरह से बंधे होते हैं जैसे 80 किलो का गुरु 20 किलो का चेला। अब यहाँ पर कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस टाइड से क्या संबंध है, आइए हम लोग सीखते हैं। अभी हमने देखा कि चंद्रमा के कर्षण बल के कारण यहाँ पर ज्वार आ जाता है। किस पर? ए मून फेसिंग पार्ट, पृथ्वी के उस भाग पर जो चंद्रमा के उन्मुख है। तो यहाँ तो ज्वार का आना लाजिम है। बात होती है यहाँ क्यों आ जाता है? तो कोई भी कह सकता है यहाँ सूर्य का कर्षण बल है, लेकिन यदि सूर्य की स्थिति और कहीं है तो भी यहाँ पर, अर्थात पृथ्वी पर चंद्रमा के अपोजिट साइड में ज्वार आना प्रकृति का नियम है। यहाँ क्यों आता है इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आने का कारण है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी चंद्रमा की तरफ झुका होता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, गुरुत्व केंद्र क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र और उभय गुरुत्व केंद्र को मिलाने वाला अक्ष, ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अर्थात इस पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चंद्रमा की तरफ झुक जाता है और पृथ्वी का अधिकतम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र चंद्रमा की तरफ हो जाता है और चंद्रमा के आकर्षण बल से यहाँ ज्वार आ जाता है। लेकिन विपरीत स्थिति में ज्वार आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ
गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत कम प्रभावी होता है। क्यों कम प्रभावी होता है? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थात पृथ्वी के भौगोलिक केंद्र और उभय गुरुत्व केंद्र को मिलाने वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी चंद्रमा की तरफ झुक गया है, इसलिए इस साइड में विपरीत स्थिति में गुरुत्वाकर्षण कम प्रभावी होता है। लेकिन उसी समय यदि हम अर्थ की रोटेशन पर ध्यान दें तो वह हर जगह बराबर गति से चलती है और केंद्रापसारी बल हर जगह बराबर लगता है। जितना यहाँ लगेगा उतना यहाँ भी लगेगा, क्योंकि अर्थ की रोटेशन हर जगह बराबर है। यहाँ पर केंद्रापसारी बल यथावत पूर्ववत रहने के फलस्वरूप और गुरुत्वाकर्षण बल के कम लगने के फलस्वरूप जल ऊपर उठ जाता है। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक प्रभावशाली हो जाती है, इसलिए यहाँ ज्वार आता है। इसलिए यदि आपसे यूपीएससी पूछे कि पृथ्वी पर चंद्रमा के तरफ वाले भाग पर तो ज्वार के आने का कारण सब जानते हैं, आप पृथ्वी पर चंद्रमा के विपरीत स्थिति में ज्वार के कारण की व्याख्या कीजिए, तो उसमें आपको ये व्याख्या करना होगा कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी उभय गुरुत्व केंद्र के आधार पर। कभी कभी किताब के लेखक ऐसा भी लिख देते हैं कि चंद्रमा के आकर्षण बल से पूरी पृथ्वी चंद्रमा की तरफ खींच जाती है और पीछे का जल छूट जाता है, ऊंचा उठ जाता है, ज्वार आ जाता है। यह एक गलतफहमी है, मिस इंटरप्रिटेशन है। पाव भरे को बाबा और डेढ़ शेर की शंख, इनका वजन कितना कम चंद्रमा का और पृथ्वी का कितना भारी। क्यों चंद्रमा ने इसको आकर्षित कर लिया? और कर भी लिया तो क्यों रहम खाकर फिर से इसको छोड़ दिया? यह खगोल की के सिद्धांतों के खिलाफ है, ब्रह्मांड के नियमों के विपरीत। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के नियम क्या कहते हैं कि बिग बैंग के बाद हमारे सभी अंतरिक्ष पिंड एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। पृथ्वी से चंद्रमा हर साल 4 सेंटीमीटर दूर हटता चला जा रहा है। इस तरह से यह दूसरा आधार कि चंद्रमा के आकर्षण से पृथ्वी खिंच जाती है इसलिए विपरीत स्थिति में ज्वार आता है, यह मिथ्या है, यह एक भ्रम है। इस तरह से हम लोगों ने ज्वार के 3 कारण देखे, एक चंद्रमा का आकर्षण, दूसरा सूर्य का आकर्षण, तीसरा उभय गुरुत्व केंद्र। इन तीनों में एक पर निशान लगाना हो कौन सबसे शक्तिशाली है तो निश्चित रूप से चंद्रमा का आकर्षण बल। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यह तो एक ऐसी स्थिति है कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में है। इस लाइन को लीनियर पोजीशन भी कहते हैं, रेखीय स्थिति। इसको सिजिगी भी कहते हैं खगोल की भाषा में। इसको अपोजिशन माने वियुति भी कहा जाता है। वियुति माने वियोग है दोनों पिंडों का, सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी के अपोजिट साइड में है, इसलिए इसको वियुति या अपोजिशन कहा जाता है। और यही घटना होती है फुल मून पूर्णमासी की, अर्थात जब यहाँ पर सूर्य के सामने वाले भाग पर पृथ्वी पर दिन होगा, इधर रात होगी, लेकिन सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के इस पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा तो पृथ्वी के रात वाले पूर्णमासी देखते हैं फुल मून, इसलिए इसको फुल मून भी कहा जाता है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी से अवरुद्ध हो जाएगा, चंद्रमा से रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। बात सही है, चंद्र ग्रहण हर पूर्णमासी को ही लगता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगे। लीनियर पोजीशन में हों, हाँ सिजिकी में होंगे, जिसकी चर्चा हम लोग एस्ट्रोनॉमी में कर चुके हैं।
अब आइए हम लोग देखते हैं कि यही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए ये यहाँ भी आ सकता है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, या इसकी पोजीशन यहाँ हो गई। दूसरे फिगर में सूर्य यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है, दोनों के बीच में चंद्रमा आ गया है। और इसको भी लीनियर पोजीशन कहते हैं, रेखीय स्थिति, तीनों एक रेखा में हैं। इसको कंजंक्शन कहा जाता है। कंजंक्शन माने युति, युति माने योग, योग योग माने पृथ्वी के एक ही साइड में ऐसा संयोग है कि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा एक ही तरफ हैं। और इसको सिजिगी भी कहा जाता है। सिजिगी माने ब्रह्मांड के तीन पिंडों का एक रेखा में होना, लेकिन वह फोटोग्राफ आप ऊपर से खींचे हैं, न कि क्षैतिज। और इसी तरह से इसमें सोलर इक्लिप्स की स्थिति भी होती है, सूर्य ग्रहण की, क्योंकि सूर्य से जाने वाला प्रकाश पृथ्वी के इस दिन पर पड़ेगा। लेकिन यदि ठीक दोनों के बीच चंद्रमा आ गया और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध कर दिया, तो पृथ्वी के यहाँ के लोगों को सूर्य नहीं दिखेगा और सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियाँ होती हैं। लेकिन हमारा इस समय मुख्य ताल्लुकात है ज्वार सीखने का, तो यहाँ पर ज्वार आएगा, यहाँ ज्वार आएगा, यहाँ ज्वार आएगा। लेकिन इस स्थिति में जब पृथ्वी के एक ही साइड में सूर्य और चंद्रमा हैं, तो यहाँ पर ज्वार आएगा। अब आप ये बताइए कि ए फिगर, अर्थात यह जो फुल मून पूर्णमासी का ज्वार आएगा, यह ज़्यादा ऊंचा ज्वार आएगा जब पृथ्वी के एक साइड में चंद्रमा, एक साइड में सूर्य है, तब ज़्यादा ऊंचा ज्वार आएगा, या इस अमावस्या की स्थिति में, न्यू मून की स्थिति में, जब पृथ्वी के एक ही साइड में चंद्रमा और सूर्य हैं, तब ज़्यादा ऊंचा ज्वार आएगा? निश्चित रूप से चंद्रमा का एक बल और सूर्य का उसका 5/11 या आधा बल, तो निश्चित रूप से यहाँ 1.5 बल काम करेगा। इसलिए इस स्थिति में, दूसरे चित्र में, अर्थात न्यू मून को, कंजंक्शन को, बहुत ही ऊंचा ज्वार आएगा। लेकिन हमारे एस्ट्रोनॉमर्स या हमारे टाइडोलॉजिस्ट इन दोनों को एक कैटेगरी में रखे हैं, जिसको कहा जाता है हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड। इसको उच्च ज्वार या स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। यह इन दोनों सिजिगी की पोजीशन में होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि दोनों में एक पर निशान लगाना हो, तो आप निश्चित रूप से दूसरी फिगर यानी न्यू मून यानी अमावस्या के ज्वार को अधिक ऊंचा सिद्ध करेंगे। अब इन दोनों स्थितियों के अतिरिक्त चंद्रमा कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ, 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 यहाँ घूमता रहेगा। तो इन दोनों स्थिति के अलावा, लीनियर पोजीशन के अलावा भी कुछ स्थितियाँ बनती हैं। जैसे चंद्रमा घूमते घूमते यहाँ आ गया, जब यहाँ आ जाएगा तो एक रेखा बनेगी सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली, दूसरी रेखा बनेगी पृथ्वी और चंद्रमा को मिलाने वाली। इस तरह से दोनों के बीच कोण बनेगा 90 डिग्री का। जैसे यहाँ अगर फिगर में देख रहे हो, सन है, फिर यहाँ अर्थ है और फिर यहाँ मून है। किस तरह से यहाँ पर इसको कहते हैं क्वाड्रेचर, चतुर्थांश। चतुर्थांश माने पूरे इस कोण 360 डिग्री का चौथाई, चौथाई माने 90 डिग्री, क्वाड्रेचर। तो यह 90 डिग्री कोण बन रहा है इस रेखा और इस रेखा के बीच में। यहाँ जो ज्वार आएगा, निश्चित रूप से वह इन दोनों ज्वार, उच्च ज्वार, स्प्रिंग टाइड से छोटा ही होगा।
क्यों? क्योंकि इस समय चंद्रमा यहाँ के जल को आकृष्ट करेगा, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इधर होने के फलस्वरूप यहाँ भी ज्वार आएगा। सूरज अपने कर्षण बल से ज्वार को इधर खींचेगा, इसका भी कुछ असर यहाँ पड़ेगा। इस तरह से ज्वार चार पार्ट में बन जाएगा, वही ऊंचाई चार भागों में बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से ज्वार की ऊंचाई कम होगी और इसको कहा जाता है लो टाइड या नीप टाइड, निम्न ज्वार। कब होता है? क्वाड्रेचर की स्थिति को। और यह चंद्रमा जब घूम के यहाँ आएगा तब भी ऐसी स्थिति बनती है। इसमें दो टर्म और समझ लेना जरूरी है। चंद्रमा की एक स्थिति तो ये हो गई, दूसरी स्थिति ये हो गई, तीसरी स्थिति क्वाड्रेचर की हो गई। क्वाड्रेचर में दो हो सकता है, एक यहाँ एक ही चंद्रमा घूमकर यहाँ आ जाए, दोनों में ज्वार की ऊंचाई वही रहेगी। लेकिन इसमें सूरज और यहाँ पर ये पृथ्वी की एक पोजीशन है, चंद्रमा निश्चित रूप से पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यहाँ आएगा और वो यहाँ आने के पहले यहाँ तो रहेगा ही। जब यहाँ आ जाएगा तो निश्चित रूप से सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होगा, ज्वार बहुत ऊंचा होगा, अमावस्या होगी ना। लेकिन जब अमावस्या से थोड़ा सा पहले लगभग 26 दिन पर यहाँ होगा, इसको कहा जाता है लैगिंग ऑफ टाइट, ज्वार का पश्चगमन। यह अमावस्या के बाद अगर काउंट करें तो 26वें दिन पर होता है और इसमें ज्वार पीछे पीछे चलता है, फिर बाद में यहाँ करके हाई टाइट स्प्रिंग टाइट हो जाता है। लेकिन इस पोजीशन अर्थात अमावस्या के ठीक बाद जब चंद्रमा आगे बढ़ता है तो तीन बटा चार दिन के बाद यह ज्वार का जो केंद्र है जो कि सूरज की तरफ होता है वह हटकर और आगे बढ़ जाता है, इसलिए इसको प्राइमिंग ऑफ टाइड, ज्वार का अग्रगमन कहते हैं। सीधी सी बात है कि इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वार अमावस्या को होगा, अमावस्या के दो तीन दिन पहले को ज्वार का पश्चगमन कहते हैं, लैगिंग ऑफ टाइड, और अमावस्या के तीन चार दिन बाद को ज्वार का अग्रगमन कहते हैं, क्योंकि अमावस्या हाईएस्ट टाइड होता है। इस तरह से यह दो प्रकार के ज्वार हुए, ये हाई या स्प्रिंग टाइड और दूसरा नीप टाइड या लो टाइड, और उसमें भी अमावस्या के पीछे वाले को लैगिंग ऑफ टाइड पश्चगमन, आगे वाले को प्राइमिंग ऑफ टाइड अग्रगमन कहा जाता है। ज्वार की उत्पत्ति के कारणों को समझने के पश्चात आइए हम लोग देखते हैं कि ज्वार का केंद्र या एम्फीडोमिक पॉइंट क्या होता है, कैसे गति करता है, क्यों गति करता है। हमारी पृथ्वी पर महासागर, झील या तालाब या नदी का जल चंद्रमा के कर्षण बल से चंद्रमा की तरफ खींच जाता है। क्या यह समतल रूप से खींचेगा या इस ज्वार का उठने का कोई एक केंद्र होगा? निश्चित रूप से पूरे जल का तल बराबर नहीं होता, बल्कि उसका एक केंद्र होता है जिसको कि एम्फीडोमिक पॉइंट कहा जाता है। जैसे यदि प्रशांत महासागर में जल की जगह हलवा भर दीजिए, उसमें गरी भी रहे और एक काला कौवा यहाँ स्थिर है, चंद्रमा मान दीजिए, लालच उसके होती ही है, निश्चित रूप से वह उस हलवा में आक्रमण करेगा। लेकिन सुरक्षा के लिए आपने उस पर एक बारीक कपड़े का आवरण लगा दिया है, जहाँ कौवा का चोंच घुसेगा निश्चित रूप से वह हलवा और कपड़ा उसके मुंह में आएगा, वह अपने गुरुत्वाकर्षण से खींचेगा और वहाँ पर उस महासागर का हलवा एक निश्चित बिंदु पर ऊपर उठ जाएगा। बस यही ज्वार है और यही एम्फीडोमिक पॉइंट है।
और कौवा तो छोड़ देगा उस हलवे को, क्योंकि पृथ्वी घूम रही अपने अक्ष पर, कौवा उस स्पीड से नहीं घूम पा रहा है, उसके चोंच के टूटने का डर होगा, इसलिए कौवा उसको छोड़ देगा। लेकिन कौवे को लालच नहीं छोड़ेगी, वो दोबारा फिर मारेगा चोंच, और फिर इस तरह से कंटिन्यूसली चोंच मारता रहेगा। चोंच निकाला फिर मारा, लेकिन चंद्रमा तो चोंच निकाल भी नहीं पाएगा, चंद्रमा का कर्षण बल से यह जल खींच जाएगा। परिणाम क्या होगा कि यदि पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन की स्पीड के अनुरूप चंद्रमा भी गतिशील होता अपने ऑर्बिट पर, अर्थात चंद्रमा भी जियो स्टेशनरी होता, तो निश्चित रूप से वह पॉइंट, वह एम्फीडोमिक पॉइंट, वह ज्वार का सबसे ऊंचा और सबसे शांत बिंदु चंद्रमा के ठीक नीचे बना रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब तेज घूम रही है, चंद्रमा उतना तेज नहीं घूम रहा है, इसलिए हाईएस्ट जो एम्फीडोमिक पॉइंट है वो लगातार पूरब से पश्चिम जाएगा। इस तरह से यह एम्फीडोमिक पॉइंट ज्वार केंद्र समुद्र में पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम चलता है। और जैसा कि कहा जाता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, हमको तो ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि टाइम टाइड किसी का इंतजार नहीं करते, ऐसा नहीं। टाइड वेट फॉर मून एंड सन, टाइम वेट फॉर ग्रेप्स, हमारे पृथ्वी पर ज्वार सूरज और चंद्रमा का इंतजार करते हैं, और समय बहादुरों का इंतजार करता है कि वो कब इस पृथ्वी पर अवतार ले लेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि टाइम एंड टाइड बोथ मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसा कि हम लोग देखे कि एम्फीडोमिक पॉइंट पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं, टाइम भी ऐसे ही पूरब में सूर्योदय होगा और पश्चिम की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इसलिए टाइम एंड टाइड बोथ वेट सम बट मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एम्फीडोमिक पॉइंट उस ज्वार का सबसे ऊंचा बिंदु होता है। आइए, हम यह कठिन विषय है इसलिए आपको एक मनोरंजन सुना देते हैं। हम दार्जिलिंग में टूर विद्यार्थियों का गए थे लेकर, वहाँ पर ठीक 7 बजे मालकिन ने होटल से हम लोगों को इसलिए बाहर कर दिया कि 7 के बाद अगले 24 घंटे का किराया देना पड़ेगा। हम सब लड़के लड़कियों को बाहर कर दिए, हम हिसाब करने लगे। लड़के अपना लगेज लेकर के एक पुलिया पर बैठ गए। वही समय था बच्चों का स्कूल का, वहीं पर एक लड़कियों का स्कूल, लड़कियां जाने लगी। सब लड़के बड़े ध्यान से उन चंद्रमाओं को देखने लगे। हम देख क्या रहे हैं कि जब एक लड़की इधर से आ रही है, हाँ, लड़के हमको नहीं देख पा रहे थे, हम खिड़की से देख रहे थे अपने लड़कों को, एक लड़की आ रही है तो हमारा लड़का उसको ऐसे रिसीव कर रहा है और ऐसे पूरा देखता हुआ उधर सी ऑफ कर रहा है, फिर दूसरी लड़की आ रही है फिर देखते हुए सी ऑफ कर रहा है। ये मैंने सोचा कि ये टाइड का अच्छा नज़ारा है। एक चीज़ हमने और बारीकी से देखा कि जब लड़की दूर थी तो सीधे खड़ा था, और जैसे जैसे वो पास आ गई वैसे वैसे झुकता गया उसकी तरफ, और फिर जैसे जैसे दूर होती गई फिर ऐसे आ गया। इसका मतलब सीधे ऐसे ना रिसीव करके वो ऐसे रिसीव कर रहा था। तो इस नज़ारे से हमने सोचा ये है ज्वार का सबसे अच्छा उदाहरण, अर्थात हमारी पृथ्वी के जल पर जब चंद्रमा बहुत पास आएगा तो बहुत ऊंचा ज्वार उठेगा, लेकिन चंद्रमा जब थोड़ा सा दूर होगा तो ज्वार की ऊंचाई कम हो जाएगी, और चंद्रमा की दूरी भी पृथ्वी से परिवर्तित होती है, जिसको हम अभी सीखते हैं। आइए, हम लोग एम्फीडोमिक पॉइंट ज्वार केंद्र सीखे, इसका मतलब होता है कि वह
एक ऐसा शांत क्षेत्र ज्वार का जो ऊंचा होता है और जिसके चारों तरफ टाइडल लाइंस या को टाइडल लाइंस घिरी होती हैं, जैसे कौवे ने उठाया हलवा और फंस गया उसका चोंच उस कपड़े में पतले से, जिसको समझ नहीं पाया और उठा लिया तो सबसे ऊंचा बिंदु एम्फिडोमिक पॉइंट और उसके चारों तरफ लाइन हाइट ज्वार की हाइट नीचे होती गई और उसी को कहा जाता है को टाइडल लाइन, सम ज्वारी रेखा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि को टाइडल लाइन होती क्या है। ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग द इक्वल टाइडल मैग्नीट्यूड, जहाँ पर समान ज्वारीय ऊंचाई होती है उसको मिलाने वाली रेखा। और अभी हमने डिस्कस किया कि एम्फिडोमिक पॉइंट पूरब से पश्चिम चलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, या कह सकते हैं कि ये एम्फिडोमिक पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, निश्चित रूप से यह क्लॉकवाइज चलेंगे, और जिसका कारण है कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। हम लोग आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ टाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के टाइड्स होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर नंबर एक है हाई टाइड और स्प्रिंग टाइड, जिसकी चर्चा अभी हम लोग दो चित्रों में किए थे, विशेष रूप से पूर्णमासी और अमावस्या को हाई टाइड होगा, जिसको स्प्रिंग टाइड उच्च ज्वार भी कहा जाएगा। इन दोनों में कब ज़्यादा उच्च होगा, न्यू मून या अमावस्या को। दूसरा कारण है लो और नीप टाइड ऑन क्वाड्रेचर, जब चतुर्थांश की स्थिति होगी, अर्थात सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा पर पृथ्वी और चंद्रमा को मिलाने वाली रेखा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तब उसको क्वाड्रेचर कहते हैं, और उस ज्वार की इंटेंसिटी तीव्रता कम होगी, जिसको लो या नीप टाइट निम्न ज्वार कहा जाता है। तीसरा है डेली टाइट, डेली टाइट 24 घंटे और 50 मिनट में होगा। और चौथा है सेमी डेली टाइट अर्धदैनिक ज्वार, जो 12 घंटे और 25 मिनट ड्यूरेशन का होता है, जिसको इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सूर्य है, पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर है और एक लीनियर पोजीशन में है। अमावस्या की स्थिति है, दोनों की कंजंक्शन स्थिति है, युति है, और चंद्रमा अपना पूरा एक बल और सूर्य उसके आधे बल से पृथ्वी के जल को खींच रहे हैं, और यहाँ पर ज्वार आ गया। समय कितना है, ठीक दोपहर का 12, क्योंकि सूर्य यहाँ पर लंबवत पड़ रहा है, ठीक 12 बजे ज्वार आया। लेकिन इसी समय एक ज्वार यहाँ आएगा, जिसका कारण होगा कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब यहाँ पर पृथ्वी के इस स्थान पर ज्वार फिर कितनी देर बाद आएगा, यह स्थान यहीं पर कितनी देर में घूम करके आएगा, इसका तो आपको अंदाज ही होगा, 24 घंटे। यह स्थान चंद्रमा से कहेगा कि मैं 24 घंटे में घूम कर आ रहा हूँ, आप मेरा इंतज़ार यहीं स्थिर रह के करिएगा, ताकि मेरे पर ज्वार आ जाए। क्या चंद्रमा ऐसा मानेगा या नहीं? नहीं, जब तक 24 घंटे में ये प्लेस यहाँ घूम के आएगा, तब तक चंद्रमा को भी अपने ऑर्बिट पर कुछ बढ़ना है, इसलिए इस प्लेस पर ठीक 24 घंटे बाद ज्वार ना आकर 24 घंटे और 50 मिनट और लगेगा वहाँ पहुँचने में। इसलिए दैनिक ज्वार डेली टाइट 24 घंटे और 50 मिनट का होता है, लेकिन दूसरा है सेमी डेली टाइट अर्ध दैनिक ज्वार, जो कि 12 घंटे और 25 मिनट का होता है। कैसे? यहाँ ज्वार आ गया,
इस पॉइंट ने कहा चंद्रमा से कि आप यहीं रहिएगा क्योंकि मुझको 12 घंटे में यहाँ पहुँच जाना है ताकि मेरे पर दूसरा ज्वार आ जाए। क्या चंद्रमा इसको ओबे करेगा या डिसओबे? निश्चित रूप से जब तक 12 घंटे में यहाँ जाएगा तब तक चंद्रमा अपने ऑर्बिट पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा और इस पॉइंट के ठीक अपोजिट यहाँ पॉइंट होगा, इसलिए इस बिंदु पर ज्वार ठीक 12 घंटे बाद ना आकर 12 घंटे 25 मिनट बाद आता है, जिसको सेमी डेली टाइट अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है। ज्वार का अगला प्रकार एपोजी अपभू ज्वार और फिर अगला पेरिजी उपभू ज्वार होता है। जैसे हमारा सूर्य है और पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के कभी पास, पेरिजी माने उपभू अर्थात दूरी है 356,000 किलोमीटर, और दूसरी स्थिति है जब पृथ्वी से चंद्रमा बहुत दूर चला जाता है अपोजी अपभू, जबकि दूरी हो जाती है 407,000 किलोमीटर। तो आप इसमें सहज ढंग से बता सकते हैं कि इसमें ज्वार की ऊंचाई कब ज़्यादा होगी। निश्चित रूप से जब पेरिजी, इसका उत्तर सहज है कि उपभू या अपभू में ज्वार कब ऊंचा होगा। निश्चित रूप से उपभू पेरिजी जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होगा, कर्षण बल अधिक लगेगा तो यह ज्वार ऊंचा होगा। किसकी अपेक्षा? इस अपभू जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होगा। इस तरह से ज्वार का एक प्रकार अपभू और उपभू भी है। ज्वार का अगला प्रकार है इक्वेटोरियल टाइट एलांग इक्वेटर और ट्रॉपिकल टाइट इन द ट्रॉपिकल जोन्स वेयर इट इज लो, अर्थात जब पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करता है तो निश्चित रूप से यह चंद्रमा हमेशा ठीक इक्वेटर के ऊपर ही नहीं परिक्रमा करता। अगर इक्वेटर के ऊपर ही परिक्रमा करता होता तो ज्वार हमेशा इक्वेटर पर ही रहता, जो कि पूरब से पश्चिम चलता। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा चंद्रमा का अक्ष 5 डिग्री झुका है, पृथ्वी का 23.5, दोनों का योग 28.5, अर्थात चंद्रमा कभी 28.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर लंबवत होता है तो कभी इक्वेटर के ऊपर से गुजरकर 28.5 उत्तर पर लंबवत होता है। इस तरह से चंद्रमा जब ट्रॉपिकल उष्णकटिबंध में होगा, अर्थात यह 28.5 के आसपास होगा तो ज्वार होगा, और जब यह इक्वेटर भूमध्य रेखा के ऊपर से गुजरेगा तो भी ज्वार होगा इक्वेटर पर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वेटोरियल टाइड ज़्यादा ऊंचा होगा कि ट्रॉपिकल टाइड अयनवर्ती ज्वार? स्वाभाविक है इसका उत्तर दे लेना कि इक्वेटोरियल। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी अक्षीय घूर्णन के कारण प्रारंभ में निर्माण के समय ही इक्वेटर पर बल्ज हो गई, उभड़ गई, और इक्वेटर का जल चंद्रमा के ज़्यादा पास होता है। जब चंद्रमा ट्रॉपिकल अयनवर्ती क्षेत्र में होता है तो चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए इक्वेटोरियल टाइड अपेक्षाकृत ज़्यादा ऊंचा होगा ट्रॉपिकल टाइड के। नेक्स्ट हमारा है प्रकार पेरिहेलियन टाइड और अफिलियन टाइड। हमारे सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी भी परिवर्तित होती है। सूर्य से पृथ्वी 3 जनवरी को सबसे पास हो जाती है, जिसको पेरिहेलियन या उपसौर कहा जाता है। इस समय यह दूरी न्यूनतम हो जाती है 91.5 मिलियन मील, और यह पेरिहेलियन कहलाता है उपसौर। लेकिन भला यदि आप किसी के पास कभी आ गए तो दूर जाने का तय है, अर्थात यदि आप किसी के पास
कभी बहुत पास आ गए तो दूर जाना तय है, क्यों उसके संग में पड़ करके और आप माया के जाल में फंस रहे हैं। इसलिए जब किसी वस्तु व्यक्ति के बहुत पास हो जाए उस समय दूर की स्थिति का अनुभव करके समत्व योग में आप बने रहिए, समत्व योग में बने रहिए। यह है प्रकृति की सीख, सिखा रहा है यह पृथ्वी सूर्य से दूरी इस समय बहुत पास है और इसी सूर्य से पृथ्वी एक समय बहुत दूर होगी, ऐसा प्रकृति कहती है। जब दूर होगी तो डेट होगी 4 जुलाई और वह दूरी होगी 94.5 मिलियन मील और उसको कहते हैं अफिलियन अर्थात अप सौर। पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर है या कह लीजिए सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर है और यदि आपसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी पूछी जाए तो आप 91.5 + 94.5/2 इस तरह से 93 मिलियन मील दूर होगी, जिसको एक AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि इस समय उपसौर पर पेरिहेलियन पर पोजीशन पर पृथ्वी पर ऊंचा ज्वार आएगा कि अफिलियन, निश्चित रूप से पेरिहेलियन पर। इस तरह से ज्वार के ये 9 प्रकार हुए, लेकिन अगला एक प्रकार है मिक्स्ड टाइड मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार में एक स्थित होती है पेरिजी, पेरिजी माने इह वाली स्थित अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा सबसे पास है। दूसरी पूजी कंडीशन होती है सीजी की माने एक लाइन में है। तीसरी होती है पेरिहेलियन का मतलब सूर्य से पृथ्वी बहुत पास है अर्थात सूर्य से पृथ्वी बहुत पास है और पृथ्वी से चंद्रमा बहुत पास है क्योंकि चंद्रमा घूमते घूमते यहाँ भी आ सकता है, ऐसे परिक्रमा कर रहा है। लेकिन पृथ्वी से सबसे क्लोजेस्ट चंद्रमा होगा तो पेरिजी होगा और यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा होगा और यह होगा अमावस्या की स्थिति और इस समय की स्थिति ऐसी होगी कि तीनों एक लाइन में हैं, तीनों सिजगी में हैं। यहाँ पर अमावस्या है, सूर्य से पृथ्वी सबसे पास है, पृथ्वी से चंद्रमा सबसे पास है अर्थात पेरिजी सिजगी पेरिहेलियन सब कंडीशन एक साथ मिल गई हैं। इस समय ज्वार बहुत ही ऊंचा आता है क्योंकि एक तो अमावस्या, दूसरे चंद्रमा पृथ्वी से सबसे पास, तीसरे पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य से सबसे पास। ऐसा ज्वार सर्वोच्च होता है और यह हर 1600 वर्षों के बाद यह घटना घटित होती है। बहुत ऊंचा ज्वार आता है, परिणाम तट के सहारे जितने दुकानदार हैं वो सब या तो जल के अंदर चले जाते हैं या तो बहुत पहले से ही जल से दूर पलायित हो जाते हैं और इसको कहा जाता है मिक्स्ड टाइड मिश्रित ज्वार क्योंकि इसमें कई कंडीशंस का मिश्रण है। अब हमारा एक और ज्वार है डबल टाइड या इसको गिल्डर कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि हमारा ज्वार अभी हम थियरी पढ़ेंगे पूरब से पश्चिम चलता है और पूरब से पश्चिम चलने का कारण हम लोग समझ चुके हैं। तो एक ज्वार पूरब से पश्चिम चलता है जिसको कि प्राइमरी वेव कहते हैं और उससे उत्पन्न सेकेंडरी वेव दोनों ध्रुवों की तरफ जाती हैं। इस तरह से ब्रिटेन में दक्षिण में एक जगह है साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन के पास डबल टाइड आता है, वहाँ पर एक जगह है गुल्डर के पास, पोर्टलैंड कहाँ पर है डोरसेट स्थान के पास साउथहैम्पटन में, वहाँ पर डबल टाइड आता है। डबल टाइड माने पृथ्वी के हर स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है लेकिन वहाँ पर 4 बार ज्वार आता है।
इसलिए उसको डबल टाइड कहते हैं, और डबल टाइड को ही दूसरी भाषा में गुल्डर कहा जाता है। इस तरह से दुनिया में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ डबल टाइड या गुल्डर होते हैं, लेकिन ब्रिटेन वाले थोड़ा सा फुर्सत में रहते हैं, रिसर्च करते हैं, उसका नामकरण कर दिए, या इसलिए वह विश्वविख्यात हो गया। ये रहे हमारे 12 टाइप्स ऑफ टाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर ज्वार के यह हैं 12 प्रकार। हम लोगों ने टाइड के टाइप ओरिजिन या जेनेसिस के आधार पर सीखे, आइए हम लोग टाइड के टाइप ऊंचाई मैग्नीट्यूड आयाम के अनुसार सीखते हैं। ऊंचाई के अनुसार टाइप्स ऑफ टाइड या एम्पलीट्यूड के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। कभी कभी ज्वार बहुत ऊंचा होता है, 4 मीटर से ऊंचा, जिसको कि माइक्रो टाइड कहा जाता है, या हाई या स्प्रिंग टाइड अमावस्या और पूर्णमासी को सामान्य रूप से होता है। दूसरा है मेसोटाइड, मध्यम प्रकार के ज्वार जिनका एम्पलीट्यूड ऊंचाई 2 मीटर से 4 मीटर के बीच होती है, यह क्वाड्रेचर समकोणिक स्थिति में होते हैं। और तीसरा है माइक्रोटाइड, निम्न ज्वार जो कि सेकेंडरी वेव के कारण होते हैं और इनकी ऊंचाई 2 मीटर से कम होती है। इस तरह से टाइड का अध्ययन, क्लासिफिकेशन, टाइपोलॉजी जो ऊंचाई के आधार पर किया जाता है, इसका अपना महत्व है, क्योंकि टाइडल एनर्जी इसी के आधार पर निकाली जा सकती है। अर्थात सबसे अधिक टाइडल एनर्जी माइक्रोटाइड या उच्च ज्वार द्वारा निकाली जाएगी। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक टर्म है मेसो लिटोरल जोन, मध्य बेलांचली पेटी, जिसको हम सीख चुके हैं कि जब किसी तट के सहारे ज्वार आता है तो हाईएस्ट टाइडल लाइन उस तट के सहारे स्थल पर बहुत ऊंची जाती है, लेकिन जब वो ज्वार लौटता है तो बीच का बहुत बड़ा क्षेत्र समुद्र से खुल जाता है, दिखाई पड़ने लगता है, और इस पेटी को मेसो लिटोरल जोन, मध्य बेलांचली पेटी कहा जाता है, और यह हाई टाइड और लो टाइड लाइन के बीच में होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं थियोरीज टाइड्स से रिलेटेड कुछ हैं, इस पर कुछ विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं जिनकी चर्चा हम लोग लगभग कर चुके हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम थियरी, संतुलन सिद्धांत बाय न्यूटन, इन्होंने 1687 में अपना विचार दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि हमारे पृथ्वी पर महासागरों का जल दो बल से संतुलित है। एक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से यह बंधा है, लेकिन दूसरा केंद्रापसारी बल है जो घूर्णन जनित है, और उसके फलस्वरूप पृथ्वी का जल बाहर की तरफ क्षेपित होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण और केंद्रापसारी बलों के बीच पृथ्वी का यह संतुलित जल चलायमान हो जाता है, ज्वार का शिकार बन जाता है, क्योंकि तीसरा बल जो कि चंद्रमा के कर्षण बल से बनता है या सूर्य के कर्षण बल से, वह आकर पृथ्वी के जल को आकृष्ट करता है। अर्थात पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को साथ दे देता है। परिणाम क्या होता है कि पृथ्वी का जल चंद्रमा या सूर्य की तरफ खिंच जाता है। इस तरह से इन्होंने टाइड की ओरिजिन को सिंप्लीफाई करके बताया कि मेन फोर्स चंद्रमा और सूर्य ही है। इसी तरह से एक दूसरा विचार प्रोग्रेसिव वेव थियरी, प्रगामी तरंग सिद्धांत, विलियम वेवल महोदय ने 1842 में दिया। प्रगामी तरंग सिद्धांत में मुख्य बिंदु है कि हमारे पृथ्वी पर एम्फीडोमिक पॉइंट पूरब से पश्चिम चलते हैं, या कह लीजिए जो टाइड्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट
पूरब से पश्चिम चलते हैं, या कह लीजिए कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और वो सब क्लॉकवाइज चल रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है, कोटाइडल लाइन समज्वारी रेखा जो उस एम्फीडोमिक पॉइंट के चारों तरफ होते हैं उस समूचे पूरब से पश्चिम चलते रहते हैं। लेकिन यदि इसमें आप एक और बारीकी देखें, जैसे एक जल में पत्थर फेंकें तो उससे उठने वाली वेव चारों तरफ जाएगी। तो एक तरह से चंद्रमा के कारण उत्पन्न बाधा जो एम्फीडोमिक पॉइंट के रूप में उठती है उससे प्राइमरी वेव तो पूरब से पश्चिम ही जाएंगी, लेकिन द्वितीयक तरंगें सेकेंडरी वेव उस एम्फीडोमिक पॉइंट वाली लाइन से उत्तर भी जाएंगी, दक्षिण भी जाएंगी। यही तो कारण है सेकेंडरी वेव के उत्पन्न होने का, और यही कारण है साउथहैम्पटन में, इंग्लैंड में, पोर्टलैंड के पास गुल्डर का। इस तरह से ये रहा प्रोग्रेसिव वेव थियरी, जिसमें कि टाइडल वेव्स पूरब से पश्चिम प्रोग्रेस करती हुई आगे बढ़ती हैं। और इसी तरह से एक तीसरा विचार और है स्टेशनरी वेव थियरी, इसको आर ए हैरिस ने 1904 में प्रतिपादित किया। यह भी उसी से ही संबंधित है, लेकिन इन्होंने माना कि हमारे महासागर स्थलों से घिरे हुए हैं, लगभग वो आयताकार आकार में हैं, और हर महासागर एक थाल के रूप में है, थाल में पानी भरा है। यदि जल से भरे हुए थाल के जल को एक किनारे से बाधित कर दें, चाहे नीचे से फोर्स लगाकर, चाहे ऊपर कोई पत्थर गिराकर, उसमें वेव्स उत्पन्न होंगी और वह वेव निश्चित रूप से एक किनारे से दूसरे किनारे तक आएंगी। इसी तरह से हमारे महासागर बंद थाल सदृश हैं, जिसमें ज्वार पूरब में उत्पन्न होता है, अर्थात पूरब में पहले चंद्रमा का सर पड़ेगा, वहाँ ज्वार उठेगा और वह ज्वारी तरंगें पूरब से पश्चिम गतिशील होंगी। इन्होंने बताया ऊपर उठे हुए जल को ज्वार, लेकिन वही जल जब अपने ही स्थान पर नीचे गिर जाता है तो उसको एब या भाटा कहा जाता है। और इस तरह से ज्वार और भाटा की क्रमिक लहरें पूरब से पश्चिम चलती हैं उस बंद सागर या महासागर में, और पश्चिम निश्चित रूप से कोई स्थल होगा, स्थलीय तट का अवरोध होगा, जहाँ पर ज्वारी तरंगें टूट जाती हैं और वहाँ से उत्तर और दक्षिण की तरफ सेकेंडरी वेव के रूप में चल पड़ती हैं। इस तरह से हैरिस महोदय ने ये बताया कि प्रत्येक महासागर एक बंद इकाई है, और उसमें स्टेशनरी वेव का मतलब हुआ कि स्थिर तरंग, वह तरंग उसी महासागर के अंदर ही स्थिर रहती है और वह ज्वार का कारण बनती है। इस तरह से यह तीनों विचार ज्वार की उत्पत्ति के ही हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सही विचार न्यूटन का है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के आधार पर ज्वार की उत्पत्ति को बताता है। शेष यह दोनों ज्वार की पूरब से पश्चिम गति और उससे उत्पन्न द्वितीयक तरंगें और महासागर के आकार और स्थल या तटीय अवरोधक का ज्वार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अब आइए हम लोग सब सीखने के बाद एक महत्वपूर्ण चीज है, इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइड, ज्वार का महत्व। और ये ज्वार महासागर में केवल एकमात्र गति हैं या इनका कोई महत्व है? पहला महत्व है रिवर टाइड। ये टाइड जब आते हैं तो नदियों के मुहाने से नदी के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि आप भारत में देखिए तो भारत की नदियाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में गिरते समय डेल्टा बनाती हैं, वहाँ प्लेन बनता है, क्योंकि नदी अपने बेस लेवल पर वहाँ रहती है और वहाँ पर डेल्टा के पास महासागर के जल और नदी के जल को पहचान पाना थोड़ा सा कठिन है।
इसलिए ज्वार महासागर से अगर 4 मीटर ऊंचा आएगा तो वह समझ ही नहीं पाएगा कि अभी महासागर में चल रहा है या नदी के मुहाने से अंदर घुस गया और वह बिना जाने पहचाने नदी के मुहाने से अंदर स्थल की तरफ घुसता चला जाता है, जिसको टाइडल बोर कहते हैं। और इसमें ज्वारीय जल की एक खड़ी दीवार होती है जो नदी के अंदर प्रवेश करती है, ये होता है टाइडल बोर। टाइडल बोर के द्वारा ही जलयान, बड़े बड़े जलयान जो महासागर से आते हैं, अंदर चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, टाइडल बोर जल की एक खड़ी दीवार होती है जिसको आपने अपने नदी तालाब में तेज हवाओं के समय देखा होगा, और उस टाइडल बोर पर यदि आप जलयान को रखना चाहेंगे तो निश्चित रूप से जलयान पलट जाएगा। इसलिए ज़्यादा सही उत्तर होगा कि टाइडल बोर से होकर जलयान नदियों में अंदर टाइडल पोर्ट तक नहीं जाते हैं, रिवराइन टाइडल पोर्ट तक नहीं जाते हैं, अपितु यह टाइडल बोर के पीछे चलने वाला टाइडल फ्लड पर बैठकर अंदर चले जाते हैं। और इस तरह से टाइडल फ्लड से होकर यह अंदर शिप्स चले जाते हैं, कहाँ पर? रिवराइन टाइडल पोर्ट। ऐसा टाइडल पोर्ट जो कि रिवराइन हो, नदी के मुहाने पर हो, जैसे हल्दिया। हल्दिया एक पोर्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, और हुगली के किनारे है। और जब टाइड बे ऑफ बंगाल में आते हैं तो उनसे शिप इस टाइडल बोर और फ्लड के सहारे हल्दिया तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टाइडल पोर्ट है कांडला गुजरात में, वहाँ पर कोई नदी नहीं है, इसलिए उसको रिवराइन टाइडल पोर्ट नहीं कहा जा सकता है। कांडला को वहाँ पर केवल टाइडल फ्लड जाते हैं, टाइडल बोर नदी के थ्रू नहीं जाते, इसलिए उसको टाइडल पोर्ट कहते हैं। रिवराइन टाइडल पोर्ट नहीं, नदी या ज्वार नद मुख पत्तन नहीं, उसको ज्वारी पत्तन कहा जाता है। दोनों में अंतर आप स्पष्ट करे रहिएगा। और यह टाइडल बोट नदी में प्रवेश किया, उसके पीछे फ्लड चली, उस पर जलयान चला। जलयान जैसे ही हल्दिया पोर्ट पर पहुंचेगा, वैसे ही वहां पर इंतज़ार कर रहे हैं पोर्ट अथॉरिटीज, और उसको वहां पर बांध लेंगे, क्योंकि उसके सामान को अनलोड करना है पोर्ट पर। और वहाँ पर एक कृत्रिम हार्बर होता है, लेकिन उसको ले जाने वाला जल तो वहाँ रुकेगा नहीं, उसको तो लौटना ही है। लौटते समय उसकी विदाई में पोर्ट अथॉरिटीज पत्तन अधिकारी कुछ देते हैं। क्या देंगे? वो सीवर का फ्लड गेट, पोल्यूशन की सभी चीज़ें उस समय खोल देते हैं, कहते हैं ले जाओ जी भर के। इसलिए टाइडल बोर लौटते समय उस पत्तन के समूचे प्रदूषण को पीछे लाकर और समुद्र नितल में निक्षेप कर देता है, डिपॉजिशन कर देता है। ओशन बॉटम डिपॉजिट, समुद्र नितल निक्षेप। इस तरह से एक यात्रा में दो काम किया, एक तो सामान ले गया और पत्तन को दे दिया, दूसरा लौटते समय विदाई में क्या पाया? पोल्यूशन। अर्थात इसका दूसरा काम होता है पोल्यूटेंट्स आर रिमर माउथ आर रिमूव्ड अबे, नदी के मुहाने के पास सभी प्रदूषण हटा दिए जाते हैं। इस तरह से यह दो महत्व रहा टाइड का। लेकिन तीसरा महत्व और भी महत्वपूर्ण है, टाइडल एनर्जी। जब टाइडल वेव तट के पास जाती हैं तो वह तट से टकराती भी हैं, तट के पास समुद्र उथला हो जाता है। लेकिन यदि समुद्र के नितल में तट के पास कंटिनेंटल सेल्फ के पास चट्टानें कड़ी हैं तो उसमें दीवाल खड़ी कर देते हैं आर्टिफिशियल, और टाइड की वेव्स आती हैं
उस दीवार से टकरा कर ऊपर उठती हैं, फिर जब नीचे गिरती हैं, बस टरबाइन उनका इंतज़ार कर रहा है और इस तरह से जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करके टाइडल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कभी नहीं नष्ट होगी। जब तक समुद्र है, जब तक चंद्रमा है, दोनों रहेंगे। टाइड आएगा, टाइडल एनर्जी आदमी पैदा करेगा और कोस्ट के लोगों को हमेशा प्रकाश और ऊर्जा मिलती रहेगी। टाइडल एनर्जी दुनिया में कहाँ कहाँ है जो महत्वपूर्ण है। पहली है बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी में, यह है कनाडा। कनाडा के पूर्वी भाग में नोवा स्कोशिया के पास मानचित्र पर फंडी की खाड़ी देख लीजिएगा, जहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, जिसका कारण है उस खाड़ी की बनावट। और उस ऊंचे ज्वार को केवल लोग देखते ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ से ज्वारी ऊर्जा निकाल भी रहे हैं। और इसी तरह से रांस एस्चुअरी है, ये फ्रांस के नॉर्दर्न पार्ट में है, उसमें भी टाइडल वेव जैसे आती हैं उसको जाने नहीं देते हैं, बल्कि उससे एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा स्टेशन है किसलय की खाड़ी। किसलय ये रसिया में है, नॉर्थ पार्ट में, वहाँ पर ज्वारी ऊर्जा निकाली जाती है। इस तरह से ज्वारी ऊर्जा के विश्व में ये तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ और भी छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जिसको आइए हम लोग देखते हैं। वैसे तो विश्व में तीन ज्वारी ऊर्जा के बहुत ही बड़े बड़े केंद्र हैं, फंडी, किसलय, रांस, लेकिन आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ अन्य केंद्र भी हैं। जैसे एक है अन्नापोलिस रॉयल, कहाँ पर है, वेस्ट कोस्ट ऑफ नोवा स्कोशिया, नोवा स्कोशिया के पश्चिम तट पर, यहाँ पर भी टाइडल एनर्जी निकाली जाती है। दूसरा है रांस, रांस एस्चुअरी है, फ्रांस के उत्तरी भाग में है, ब्रिटेनी एक पेनिनसुला प्रायद्वीप है। और अगला है स्ट्रैकफोर्ड लव सी जेन, जो कि स्ट्रैकफोर्ड नैरो एक जगह है, वहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा है किसलय गूबा, यह रसा में है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके थे। इसी तरह से यहाँ पर ये रांस की लोकेशन दिखाई गई है और ये स्टैंकफोर्ड स्थान लिखा गया है, किसलय यहाँ पर है। और एक है सीवा लेक साउथ कोरिया में, यहाँ पर है लोकेशन इसकी दिखाई गई है। और एक इंचियन साउथ कोरिया में है, और उसमें इंचियन बे खाड़ी है साउथ कोरिया में, वहाँ पर भी टाइडल एनर्जी निकाली जाती है। और नेक्स्ट है अल्डोलमोक, जो कि जिंदो काउंटी इन साउथ कोरिया में है। इस तरह से एक है जियांगचिया, जो कि चाइना के पूर्वी तट पर है। इस तरह से टाइडल एनर्जी ज्वारी ऊर्जा के ये विभिन्न स्रोत हैं, जिन पर यदि आप मानचित्र पर ध्यान दें तो यह भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में ही ज़्यादातर हैं, जिसका कारण क्या है कि टाइड तो उत्तरी गोलार्ध में भी आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का उत्तरी गोलार्ध में है और ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता वहीं है, ऊर्जा का संकट वहीं है और परंपरागत ऊर्जा का संकट भी है, और उससे होने वाले पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक अवनयन उत्तरी गोलार्ध में हो रहे हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध के लोग इस ज्वारीय नवीकरणीय ऊर्जा की खोज में अधिक लगे हैं और सफलता की तरफ बढ़ भी रहे हैं। ये रहा हमारा ज्वार और भाटा और उसके कारण, प्रकार, उसका प्रभाव और उसका महत्व। कुछ इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक बार प्रश्न पूछा गया था कि किसी एक प्लेस पर 24 घंटे में कुल कितने ज्वार हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से दो इसका उत्तर है। इसी तरह से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसी एक क्षण पृथ्वी पर दो ज्वार के बीच
कितना समय अंतराल होगा तो निश्चित रूप से 12 घंटे। लेकिन अगर प्रश्न बदल दिया जाए कि किसी एक स्थान पर दो ज्वार के बीच कितना समय अंतराल होगा तो 12 घंटे 24 मिनट। इसी तरह से अगर प्रश्न का शब्द बदल दिया जाए कि किसी एक क्षण पृथ्वी पर एक ज्वार और एक भाटे के अंदर कितना समय अंतराल होगा तो पूरे पार 6 घंटे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि किसी एक स्थान पर पृथ्वी पर एक ज्वार एक भाटे के बीच कितना समय अंतराल होगा तो निश्चित रूप से 6 घंटे 12.5 मिनट या उसको राउंड फिगर में 6 घंटे 13 मिनट कहा जाएगा। इस तरह से इन प्रश्नों को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कुछ अटपटे हैं जो कि यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। ये रही कहानी ज्वार, उसकी उत्पत्ति के कारण, उसके प्रकार और उसकी थियोरीज और उसका प्रभाव और उसका महत्व, विशेष रूप से ज्वारीय ऊर्जा।